सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। आज सोमवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही शहर के चौरी रोड पूरे श्याम के एक लान में बर्नवाल सेवा समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। अहिबरन महाराज के चित्र पर माल्यार्पण, आरती व गणेश वंदना के बाद होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कई घंटे तक चले कार्यक्रम में महिलाओं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया और जमकर वाहवाही लूटी। बर्नवाल समाज के लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। गुजिया सहित तमाम व्यंजनों का लोगों ने लुत्फ उठाया। बर्नवाल सेवा समिति द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में बर्नवाल समाज के लोग पहुंचे थे। इस मौके पर आशीष बर्नवाल, पंकज बर्नवाल, विनीत बर्नवाल, ललित बर्नवाल आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर पशु अस्पताल में डॉक्टर न मिलने से घायल मोर की मौत हो गई। इस बात से युवाओं में नाराजगी देखी गई है। रविवार को ज्ञानपुर के लखनऊ गांव में एक मोर घायल हालत में पाया गया था। अभिषेक दुबे सहित गांव के अन्य युवा घायल मोर को लेकर ज्ञानपुर पशु अस्पताल पहुंचे थे। अभिषेक दुबे ने बताया कि अस्पताल बंद था, वहां कोई भी डॉक्टर कर्मचारी नहीं मिला। थोड़ी देर में घायल मोर की मौत हो गई। मोर के शव को लेकर युवा वन विभाग कार्यालय पहुंच गए थे। औराई के भरतपुर में एक विवाहिता की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। पति अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर मौके वारदात से फरार हो गया था। जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सीओ औराई चमन सिंह चावड़ा, इंस्पेक्टर सज्जानंद पांडे दलबल के साथ पहुंचे थे। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। गोपीगंज के हीराचक डेहरिया की रहने वाली श्याम कुमारी ने बताया कि उसकी पुत्री शीला गौतम की शादी औराई के भरतपुर निवासी जयकरण गौतम के पुत्र मैनेजर उर्फ डब्बू गौतम के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद पति पत्नी के बीच मुकदमेबाजी हो गई। डेढ़ साल पहले आपसी सुलह समझौते के बाद उनकी बेटी शीला गौतम अपने ससुराल गई थी। उधर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते मैनेजर उर्फ डब्बू गौतम ने अपनी पत्नी शीला गौतम की हत्या कर दी है। टीम गठित कर आरोपी की तलाश की जा रही है। औराई के भरतपुर गांव के लोगों की सुबह नींद टूटी तो हत्या की चर्चा से इलाके में सनसनी फैल गई थी। विवाहिता शीला गौतम का शव उसके कमरे में पाया गया। बाहर से दरवाजा बंद कर पति फरार हो गया था। शीला गौतम के ससुराल में पति मैनेजर उर्फ डब्लू गौतम, ससुर जयकरण गौतम, 12 वर्ष की बेटी अंजलि व 7 वर्ष की अन्नू रहती थी। वारदात वाली रात मैनेजर उर्फ डब्बू गौतम दोनों बेटियों को अपने पत्नी से अलग कर इस घटना को अंजाम दिया था और खुद डायल 112 पुलिस को सूचना देकर फरार हो गया था। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल विवाहिता की हत्या से भरतपुर गांव में सनसनी फैली हुई है। वाराणसी भदोही मार्ग पर बनने वाले फोर लेन के लिए खोद कर छोड़े गए नाले के खिलाफ व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया है। एनएच के कर्मचारियों के गेट को बंद कर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। यह मामला चौरी का है। मोहनलाल गुप्ता, लालचंद गुप्ता, शुभम पांडे, मुन्ना पांडे, संजय टिंकू, राम सजीवन जैसे लोगों ने बताया कि फोर लेन निर्माण में नाला के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ा गया है, जिससे व्यापारियों का व्यवसाय बर्बाद हो रहा है। आए दिन खोदकर छोड़े गए गड्ढे में बुजुर्ग महिलाएं बच्चे गिरकर घायल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। इसी बात से नाराज व्यापारी लच्छापुर में रह रहे कर्मचारियों के गेट को बंद कर हंगामा कर दिया। एक हफ्ते के आश्वासन के बाद प्रदर्शन कर रहे लोग लौट गए। भदोही जिले में घंटा चोर सक्रिय हो गए हैं। मंदिरों में लगे पीतल के घंटे को चोर गायब कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पूरे रजा काकादेव मंदिर से सामने आया है। पड़ोसी गांव के गोसाईदासपुर निवासी मुन्नू मौर्य रविवार की सुबह काकादेव मंदिर पर पूजा पाठ करने पहुंचे तो मंदिर में लगा चार घंटा गायब था। एक एक घंटे का वजन 5-5 किलो बताया गया है। ग्रामीणों ने फौरन इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। इलाके के राम अनुज उपाध्याय, गुड्डू नारायण स्वामी जैसे ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए गांव में पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है।
ईद के नमाज का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। रविवार को भदोही शहर के मेन रोड तकिया कल्लनसा जामा मस्जिद में रुयते एलाल कमेटी की बैठक हुई। शहर काजी व कमेटी के सदर अलहाज हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियाँ की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में ईद की नमाज का वक्त मुकर्रर किया गया है। ईदगाह अजमुल्ला चौराहा पहली जमात 6:45 व दूसरी जमात 7:30 बजे बताई गई है। ईदगाह रेलवे स्टेशन, ईदगाह हाजी तालाब फरीदन, मैदान फलाहे उम्मत, मस्जिद नबीना शाह, मस्जिद साहबाबाद, मोहम्मदी मस्जिद काजीपुर में 7 बजे, मस्जिद अहले हदीस कटरा बाजार, मस्जिद गौरियाना, ईदगाह गमहापुर, ईदगाह चौरी रोड 7:15 बजे व मस्जिद रौजा गाजी मियाँ में पहली जमात 7 बजे व दूसरी जमात 7:45 पर मुकर्रर की गई है। बैठक में हाफिज अशफाक रब्बानी, मौलाना हाफिज अरफात हुसैन मिसबाही, हाफिज गुलाम मुस्तफा हबीबी, रियाज अहमद दल्लू सहित काफी लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर के एकलान में भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया वॉलंटियर्स व पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री रिटायर्ड जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह रहे। अध्यक्षता भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा व स्वागत जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने किया था। डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने सोशल मीडिया वॉलंटियर्स में जोश भरते हुए मिशन 2024 को जीतने के लिए अहम भूमिका निभाने की अपील की है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने जिले के कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भदोही के कार्यकर्ता इस सीट को जीतकर लोकसभा में कमल खिलाएंगे। कहा कि हमारे कार्यकर्ता बेहद मेहनती व लगनशील हैं। सूर्यामा सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के बीच पट्टी बिजाव गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर मिले महिला के शव की पहचान हो गई है। महिला के मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। चौरी के सिकंदरा निवासी अयोध्या प्रसाद बिंद ने बताया कि वह अपनी बेटी बसंती की शादी सूर्यामा के तेज सिंहपुर निवासी बाकेलाल बिंद के पुत्र सूर्य प्रकाश के साथ 10 वर्ष पहले की थी। उसके 2 बेटे हैं। शादी के बाद से ही पति तरह तरह से बेटी को प्रताड़ित करता था। रविवार को मायके वालों को सूचना मिली कि उनके बेटी का शव ससुराल से कुछ दूर रेलवे ट्रैक पर पाया गया है। मायके वालों ने पहुंचकर सूर्यामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक किनारे फेंके जाने का आरोप लगाया है। भदोही शहर के सरोही मानिकपुर में खेत में बकरी जाने को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में गोविंदा नामक युवक घायल हो गया है। रविवार को प्रेमचंद बिंद के खेत में जहीर अली की बकरी चली गई। इसी बात को लेकर दोनों लोगों के बीच कहासुनी हो गई। प्रेमचंद के परिजनों का आरोप है कि जहीर अली के परिजनों ने रास्ते में रोककर गोविंदा नामक युवक की पिटाई कर दी, जिससे उसके सिर में चोटें आई थी। उपचार के लिए राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। सड़क हादसे में घायल 50 वर्षीय अनूप रावत की मौत हो गई है। ज्ञानपुर के बड़ा डी निवासी 50 वर्षीय अनूप रावत 5 अप्रैल की सुबह गोपीगंज के अमवा गांव के समीप एक अज्ञात वाहन के धक्के से घायल हो गए थे। अनूप कुमार रावत बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। हादसे में अनूप कुमार रावत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। औराई के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान रविवार की सुबह लगभग 10 बजे मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। साक्ष्य के अभाव में व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की जोरदार तर्क के बाद माननीय न्यायालय ने लगभग 23 साल के बाद मढ़ा फूकने के 2 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। मामला गोपीगंज के चक निरंजन गांव का है। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित रामाशंकर दुबे ने बताया कि मढ़ा फूकने के आरोप में अमरनाथ की तहरीर पर वर्ष 2001 में गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने सुधाकर संजय उर्फ नागेंद्र उपाध्याय, देवेंद्र उपाध्याय, ननकू उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें सुधाकर व ननकू की दौरानी मुकदमा मौत हो चुकी है। एडवोकेट वीरेंद्र कुमार दुबे, अखिलेश दुबे की बहस के बाद माननीय अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने गोपीगंज के चक निरंजन गांव निवासी संजय उर्फ नागे उपाध्याय, देवेंद्र उपाध्याय को दोषमुक्त कर दिया है।
औराई के उगापुर गौतम बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बांस की कोठी धू धू कर जलने लगी। बांस की कोठी से उठ रहे धुएं को गांव के राजन, लक्ष्मी शंकर, विजय कुमार, अनिल कुमार जैसे युवकों ने आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे, लेकिन लगातार आग बढ़ती जा रही थी। यह बांस की कोठी झग्गल नामक व्यक्ति घर के सामने बताई गई है। आग को बढ़ता देख ग्रामीणों ने फौरन इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बांस की कोठी में लगे आग पर काबू पाया, तब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। घर से दवा लेने निकला एक अधेड़ चलते चलते अचानक सड़क पर गिर गया और मौत हो गई। मामला जंगीगंज जीटी रोड के एक बैंक के समीप का है। गोपीगंज के इब्राहिमपुर निवासी 45 वर्षीय श्याम बहादुर बिंद रविवार को घर से अपनी दवा लेने गोपीगंज जा रहे थे। जंगीगंज बैंक के समीप पहुंचे अचानक गिर गए और उनकी मौत हो गई। सड़क किनारे मृत पड़े श्याम बहादुर बिंद के जेब से मिली डायरी व आधार कार्ड के जरिए पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और शव को सीएससी गोपीगंज लेकर पहुंच गए। रोती बिलखती श्याम बहादुर की बेटी सीएससी गोपीगंज पहुंच गई थी। बताया कि 15 वर्ष पहले उसकी मां की मौत हो चुकी है। पिता दिमाग का इलाज कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। भदोही पुलिस आखिर एक महिला वारंटी के आगे इतना मजबूर क्यों है? माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी वारंटी महिला को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जबकि माननीय न्यायालय लगातार फटकार लगा रहा है। यह चर्चित मामला है सूर्यामा थाना इलाके के गजधरा गांव का। एसपी को संबोधित एक शिकायती पत्र क्षेत्राधिकारी विवेचना सेल को देते हुए गजधरा निवासी महेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि वह अपने पिता देवी शंकर उपाध्याय द्वारा 156(3) के तहत दर्ज कराए गए मुकदमे के पैरोकार हैं। 156(3) के तहत अलग अलग धाराओं में गायत्री देवी, सियाराम, तेजधर, अभय, अमन, कृष्णानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, विवेचना की जा रही है। बताया कि विवेचक द्वारा लाभ पहुंचाने की नीयत से मामले में लीपापोती की जा रही है। भदोही शहर के बाईपास मोहल्ला साहबाबाद वाली मस्जिद में रविवार की रात नमाज तरावी मुकम्मल हुई। इस दौरान काफी संख्या में नमाजी मौजूद रहे। नमाज तरावी खत्म होने के बाद मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली व तरक्की के लिए दुआएं मांगी गई। भदोही शहर के छितनी तालाब निवासी हाफिज अबू हुरैरा द्वारा तरावी मुकम्मल कराई गई है। हाफिज को उपहार भी भेंट किया गया। इस मौके पर हाफिज महमूद अयाज, जुनेद अंसारी, दानिश अंसारी, अकरम अली, सबील अहमद सहित काफी संख्या में नमाजी मौजूद रहे। रविवार को अभोली ब्लॉक के अर्जुनपुर गांव में भारतीय किसान संयुक्त यूनियन की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता किसान संघ के भदोही जिलाध्यक्ष सालिक राम यादव ने किया। बैठक में 15 नए सदस्यों को पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। बैठक में किसान हित में शंभू बाटल पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया गया। बैठक में ब्रिजेश राम बाबू बिंद, अशोक कुमार यादव, मीरा देवी, रामचरित्र चौहान आदि किसान नेता मौजूद रहे। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अभोली ब्लॉक के खेवखर ग्राम सभा के होनहार सम्मानित होंगे। होनहारों के चयन के लिए रविवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय खेवखर में समान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रतियोगिता में 300 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के बीच यह प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रबुद्ध संघर्ष समिति के बैनर तले 2 घंटे तक यह प्रतियोगिता कराई गई थी, जहां बच्चों ने खूब दिमागी कसरत की। प्रतियोगिता संपन्न कराने में भरत, जितेंद्र, शशिकांत, विष्णुकांत लगे रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी अब आपके बच्चे व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भी दिखाएगा। ऐसी खबरों को आप हमें भेज सकते हैं या फिर आप कार्यक्रमों से पहले हमें सूचना दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।